झांसी जिले के मऊरानीपुर में ग्रामीणों की शिकायत को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी ने ग्रामों में कोटेदारों की दुकानों पर छापा मारा, जहां पर कई शिकायतों की कमियां पाई गई हैं। इस तरह की कमियों को देखते हुए जिला पूर्ति अधिकारी तीरथ राज यादव व उमेश शुक्ला क्षेत्रीय अधिकारी ने मऊरानीपुर की गल्ला मंडी में गोदाम पर छापा मारा, जहां पर शॉफन के द्वारा गरीब मजदूरों को कोटे के द्वारा राशन दिया जाता है, उसमें घटतौली की कमियां मिली हैं। कई बोरियों में 50 किलो से कम गेहूं मिला है। कांटे की भी जांच की गई तो कांटे में भी कमी पाई गई है। अधिकारी ने गोदाम प्रभारी पर बड़ी नाराजगी दिखाई और सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी कोटेदार को आप कांटे की तोल करके राशन दिया जाएगा, और इसी तरह की कमियों को देखते हुए गोदाम प्रभारी की लापरवाही को भी माना है। क्या नाम है? रविंद्र सिंह राजपूत एटायल। किस गांव से हैं आप? एटायल से। आप उस गांव के क्या हैं आप? कोटेदार। कोटेदार हैं। आज जो आपके यहाँ जो तोल कराई है, आपने कोटा लेने आए थे, क्या क्या लेके जा रहे हैं आप? गेहूँ चावल। गेहूँ चावल तो आपके अधिकारी के सामने तोल हुई है? हाँ। कैसा क्या निकला वहाँ पर? उसमें तीन बोरी चावल पे 4 किलो चावल कम निकलो, और 3 बोरी गेहूँ पे 1.5 किलो गेहूँ कम निकलो। तो इसकी कौन मानता है इसको लापरवाही? इसमें किसकी मानते हैं गलती? इसमें कहा है तो गोदाम प्रभारी है, बेनी दे तोल के। कब से नहीं दे रहे आप? तो हमें जब से दुकान आई जब से नहीं दो तोल के। अभी तक आपको तोल के मिला ही नहीं? कभी नहीं मिलो। अधिकारी से भी आपकी बात की है इस बात को? अब अधिकारी का हम क्या ही सकते हैं, अब ना सुने को तो हम क्या कह दें ऊपर। तो उनने क्या कहा अभी? अबे तो उनने कही तोल के लो साहब के सामने, क्या कह सब कोटेदार तोल के लिए क्यों माल? इसके पहले आप जो भी लेंगे तोल के लेंगे। हाँ आप क्या कहते हैं? हम तोल के लें माल, नहीं तो हम गाँव में कहाँ से पजे लें? वो तो कस्टमर हम पूरे कहाँ से कहें जब कहते ना मिले पूरे माल? तो इसके पहले कई बार आपकी घटतौली हुई है आपकी बोरियों पर? अच्छा बताओ जवाब है, अब तुली सामे आपके तो ऐसी जमाई से हुआ वो तो ये सब। सर आज जो गोदाम का सर आपके द्वारा सर निरीक्षण किया गया, सर यहाँ पर क्या कमियाँ पाई गई सर? जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि शासन द्वारा इस कोरोना काल में कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न गेहूँ और चावल वितरित कराया जा रहा है। अभी मेरे द्वारा गांव सिवारी में वगैरह जाकर के कोटे की दुकानों का भी निरीक्षण किया गया और कार्डधारकों से पूछताछ की गई कि उनको निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है, कोई पैसा तो कोटेदार नहीं ले रहा है, या आपको कार्डधारक को पूरा खाद्यान्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो कोटेदारों द्वारा ये बताया गया कि साहब गोदाम पर हमको तौल के नहीं मिलता है, तो जिसके संबंध में मैं यहाँ आकर के देखा ये निकासी इस समय हो रही है, कोटेदार ले जा रहे हैं, तो न तौल के देने के बारे में जो मार्केटिंग विभाग के एमओ आप हैं एमआई हैं, इनके द्वारा बताया गया कि ये अकेले यहाँ पर काम कर रहे हैं और इनके द्वारा खरीद भी की जा रही है, ये भी काम हो रहा है, तो दोनों काम होने के नाते ये तौल के नहीं दे पा रहे हैं। और मेरे द्वारा जो ट्रैक्टर पर गाड़ियां लद के खड़ी हैं उसमें से कुछ बोरियां उतरवा करके अभी इस कांटे से तौल कराई गई और उसका औसत निकाला गया, तो औसत निकालने पर 200 ग्राम एक बोरी में कम पाया गया, तो इनको इसके लिए भविष्य के लिए बता दिया गया है कि ये कोटेदारों को पूरा खाद्यान्न तौल के देंगे, पूरा खाद्यान्न यदि कोटेदार तौल के ले जाएगा तो गाँव में सभी कार्डधारक को पूरी मात्रा में तौल के देगा, जिससे शासन द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं पूरी तरीके से सफल हो सके। सर इसमें जो बोरियों में कम निकल रहा है इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? नहीं, बोरियों में जो कम निकल रहा है उसकी जिम्मेदारी तो खैर इनकी ईएमआई की है जो गोदाम चला रहे हैं, ये पूरा माल गोदाम पर अपना रिसीव करें और कोटेदार को पूरा खाद्यान्न दें। दो ही कोटेदार हैं कि हवाई है? यहाँ पर जो तौल दी जा रही है अगर पूरी नहीं है तो ईएमआई उसके लिए जिम्मेदार है, गाँव में यदि कोटेदार पूरा नहीं देता है तो कोटेदार जिम्मेदार है।